दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एशिया कप से पहले श्रीलंका के दिग्गजों ने दे डाली भारत को धमकी। जी हां दोस्तों, एशिया कप के कार्यक्रम के घोषित होने के साथ ही श्रीलंका के दिग्गजों ने भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी कर दिया है। भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंका के दिग्गजों ने एक ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी कलेजा छलनी हो जाएगा। तो आखिरकार श्रीलंका के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए कौन सा भड़काऊ बयान जारी किया है तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार का एशिया कप कौन सी टीम जीत सकती है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एशिया कप 2023 के कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, जहां पर इस बार का एशिया कप 31 अगस्त से प्रारंभ होने वाला है। तो वहीं एशिया कप का समापन 17 सितंबर को फाइनल मुकाबले के साथ होगा। इस बार एशिया कप एक नहीं बल्कि दो देशों में खेला जाएगा, जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देश मेजबानी करेंगे। भारतीय टीम पाकिस्तान की सरजमी पर खेलने के लिए नहीं जाने वाली है, ऐसे में हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मुकाबले श्रीलंका की धरती पर होंगे। तो एशिया कप के कार्यक्रम के घोषित हो जाने के साथ श्रीलंका के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी कर दिया है, जिसमें कुमार संगकारा ने बयान देते हुए कहा है कि एशिया कप का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और मुझे लगता है कि इस बार एक बार फिर से हमारी श्रीलंका की टीम चैंपियन बनेगी। श्रीलंका की टीम को पिछले साल सभी ने कमजोर समझा था, लेकिन श्रीलंका की टीम ने दिखा दिया कि उनसे बेहतर टीम कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि श्रीलंका की टीम को फेवरेट न होने का फायदा मिला है और श्रीलंका की टीम का दबाव भी हैंडल नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में हमारी श्रीलंका की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के खिलाफ शानदार अंदाज में प्रदर्शन करेगी, तो साथ में भारत को हराकर उसकी असली औकात भी दिखा देगी। तो वहीं महिला जयवर्धने ने बयान देते हुए कहा कि एशिया कप 2023 के लिए हमने तैयारियां पिछले साल शुरू कर दी हैं। वनडे फॉर्मेट में बेशक हमारी टीम कमजोर हो, लेकिन हमारी टीम जब अपना बेहतर प्रदर्शन करने लगती है तो हमारी टीम के सामने किसी की भी नहीं चलती। ऐसे में एक बार फिर से उसी कारनामा को दोहराने का समय आ चुका है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को इस एशिया कप के अंदर महामुकाबले में पूरे तरीके से हराकर दिखा देंगे कि एशिया कप अब नई चैंपियन भारत की जगह श्रीलंका की टीम है और श्रीलंका की टीम से असंभव जीत के लिए रोकना भारत के लिए है। तो वहीं सनत जयसूर्य ने बयान देते हुए कहा कि एशिया कप 2023 के लिए हमारी टीम पूरे तरीके से तैयार है। हमारी टीम ने एशिया कप का शेड्यूल देख लिया है और हमें मेजबान देश होने का बड़ा फायदा भी मिलने वाला है। भारतीय टीम को अब हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार का एशिया कप हमारे देश में होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि एशिया कप के लिए तैयारियां जोरों शोरों से प्रारंभ हो गई है। मुझे लगता है इस बार का एशिया कप एक बार फिर से श्रीलंका की टीम जीतेगी और श्रीलंका की टीम मेजबान देश होने के कारण सभी टीम से मजबूत है और चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ जीत मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।